नमस्कार, मैं एडवोकेट भरत कुमावत, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव निवेशक हितार्थ संघर्ष समिति संयोजक एवं वर्तमान में हम देश के करोड़ों ठगी पीड़ित जमाकर्ता नागरिकों का जो जमा धन है सरकार के पास, पिछले कई वर्षों से सरकार के पास पड़ा हुआ है, खाते सीज पड़े हुए हैं, प्रॉपर्टियां सीज कर रखी है, लेकिन जो निर्दोष निवेशक हैं जिन्होंने छोटी छोटी पूंजी 10-10 रुपए रोज करके 20-20 50-50 रुपए रोज जमा करके 5-10 साल तक जमा किए और वो जब एक बड़ी रकम बन गई और जब उनको लौटाने का समय आया तो आज उन लोगों को वो धन नहीं मिला। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब देश का सर्वोच्च न्यायालय भी आदेश दे देता है कि 6 महीने में पैसा लौटाओ, भारत की संसद भी एक कानून बना देती है जिसमें 180 दिनों में पैसा लौटाने का प्रावधान होता है, बर्ड्स एक्ट 2019, उसके तहत प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को यह पावर दी गई है कि वो अपने ज़िले में जो भी लोग ठगी पीड़ित हैं उनको उनके आवेदन स्वीकार करें और उनके 180 दिन में उनको पैसा लौटाने की कार्रवाई करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी, संसद के द्वारा कानून बनाए जाने के बाद भी अगर लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो इससे बड़ा अन्याय कुछ भी नहीं है। और भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, और केवल जीवन जीने का ही नहीं, भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को यह मूल अधिकार देता है कि वो गरिमापूर्ण जीवन जी सके। लेकिन आज हमारे संसदीय तंत्र के 100% फेल होने की वजह से करोड़ों नागरिकों के मूल अधिकार का हनन हो रहा है। हमारे नागरिकों में जो जिन लोगों ने अभिकर्ताओं का काम किया, सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के आधार पर जमा राशि इकट्ठा की और कंपनियों में जमा कराई, वो लोग आज नारकीय जीवन जी रहे हैं। क्योंकि निवेशक तो अभिकर्ताओं को ही पकड़ रहे हैं, हम नहीं जानते, हमने तो पैसा तुमको दिया, तुम लाके दो, जबकि कानूनी रूप से कोई भी अभिकर्ता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उत्तरदायित्व तो समस्त या तो उन सोसाइटियों का बनता है जिन्होंने कि ये पूंजी जमा की, और फिर सरकार का बनता है जिन्होंने इस जमा पूंजी पर सोसाइटियों के खातों को सीज किया, सारी संपत्तियों को सीज किया, तो उन सरकार का दायित्व बनता है। लेकिन आज विडंबना है कि सोसाइटियों के डायरेक्टर्स जेल में हैं, सोसाइटियों के खाते सीज है, संपत्तियां जब्त की हुई पड़ी है, तो सोसाइटी के डायरेक्टर्स वगैरह तो भुगतान करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि सरकार ने उनके हाथ काट दिए, जेल में बंद कर दिया। और दूसरी ओर सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार ने लिक्विडेटर भी नियुक्त किए, परिसमापक भी नियुक्त किए, प्रशासक भी नियुक्त किए, लेकिन डाक के 3 पात और न्याय नहीं मिल रहा है, भुगतान नहीं हो रहा। और न्यायाधीश, अब जब सरकार में कहीं भी अन्याय होता है, विधि विरुद्ध कार्य होता है, तो हम न्यायालय की शरण में जाते हैं, और जब सर्वोच्च न्यायालय ने भी न्याय कर दिया और भुगतान देने का आदेश कर दिया और उस आदेश की पालना नहीं हो रही है, तो अब संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेशों की पालना नहीं हो रही है तो उसका क्या निराकरण। इसलिए मजबूर होकर इस देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित लोगों को मजबूरन जन आंदोलन करना पड़ रहा है, अपनी शर्मनाक स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। और हमारे बहुत से अभिकर्ताओं ने तो इतनी विपरीत परिस्थितियां हो गई और इतना दबाव पड़ा उन पर कि उन्होंने अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। इसलिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आज पूरे देश में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोग संगठित हो रहे हैं और अभूतपूर्व रूप से जन आंदोलन के माध्यम से ही अब हमें न्याय प्राप्त करने की उम्मीद है। और इसीलिए
3 सितंबर से जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है वहां पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव निवेशकों का होने जा रहा है और अब हम करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं और आने वाले चुनाव में सभी निवेशक अभिकर्ता और सारे संगठन मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और इन सरकारों को से निर्णायक संघर्ष करने का हम ऐलान कर चुके हैं और अब देखते हैं 3 सितंबर के बाद ये जो सरकारें हैं क्या करती है और किस प्रकार से इन निर्दोष नागरिकों के हक अधिकार इनको लौटाती है। ये इनके लिए परीक्षा की घड़ी है क्योंकि तो पिछले 5 सालों से भी अधिक समय से हम संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सरकारों ने 4-4.5 साल तक तो कोई ध्यान नहीं दिया, अपॉइंटमेंट नहीं दिए और जो ज्ञापन देने गए मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के पास गए उनका अपमान किया। लेकिन अब चूंकि चुनाव आ गए हैं इसलिए ये भी नरम पड़े हैं, इन्हें याद आ गया कि ये वही ठगी पीड़ित हैं जिनका हमने अपमान किया और इनके वोट से ही हम जीतेंगे, इसलिए कुछ नरमी तो आई है इनके व्यवहार में, इनकी गरज के कारण, वोटों की गरज के कारण। लेकिन हम भी तैयार हैं कि पहले भुगतान फिर मतदान। जय हिंद, जय भारत। अगली रणनीति क्या हो रहेगी अगर मान लो सरकार नहीं मानती तो क्या रणनीति आप कर रहे हैं और किस आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं आप? जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ओ मतदाता तुम ही हो भारत भाग्य विधाता। समय आ गया है, ये जो मुख्यमंत्री थे कल तक मंत्री थे वो हमारे ही श्रेणी में आने वाले हैं और अब हम हमारी सरकार स्वयं बनाएंगे और इनकी परीक्षा लेंगे। जो भी चुनाव लड़ने जा रहा है, जो भी चाहता है कि हमारे मत के प्राप्त करके वो जनप्रतिनिधि बने, सरकार बनाए और सरकार चलाए, तो हम उनकी कड़ी परीक्षा लेंगे कि उनकी बौद्धिक क्षमताएं कितनी है, उनकी कानून की पकड़ कितनी है, उन्हें हमारी समस्याओं की जानकारी कितनी है और उनके पास हमारी समस्याओं का समाधान कितना है, उनकी परीक्षा लेंगे। फिर एकजुट होकर हम सभी मतदाता मतदान करेंगे और अपने अधिकारों को प्राप्त करने और हमारे अधिकारों को दिलाने वाले लोगों को ही हम अब की बार सदनों में भेजेंगे, ये हमारा निर्णय है। और यदि हमने पाया कि कोई भी हमारे गंभीरता से हमारी समस्याओं के समाधान करने के योग्य नहीं है तो हमारे पास नोटा का ऑप्शन भी है। ये जो पीड़ित है इनके लिए क्या संदेश है आपका? करो या मरो और मतदान का उपयोग करो। इस देश की सर्वोच्च पद पर अगर संविधान ने किसी को बिठाया है और एकमात्र ताकत जो प्रधानमंत्रियों को भी सामान्य आदमी बना देती है और जो सामान्य आदमी को भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देती है वो ताकत केवल और केवल नागरिकों के मताधिकार में है। इसलिए हम सभी निवेशक नागरिक समझे कि हम इस भारत के भाग्य विधाता हैं, अपने मतदान को सोच समझ के जब इस्तेमाल करेंगे तो शायद इन व्यवस्थाओं से भ्रष्टाचार मिटेगा, वो अन्याय के कारण मिटेंगे जिसके कारण आज ये दुर्दशा इस स्थिति में हम लोग आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ये संघर्ष समिति लगातार पीड़ितों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। आप भी इसमें सहयोग कीजिए, अपना तन मन धन दीजिए ताकि आपका पैसा, आपकी खरे कमाई का पैसा आपको मिल सके। किसी से भी मांगते हम हमारा हक मांगते, किसी से भी मांगते। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निवेशकों का पैसा लौटाओ, पैसा लौटाओ, पैसा लौटाओ। राज्य सरकारें होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निवेशकों का पैसा लौटाओ, पैसा लौटाओ, पैसा लौटाओ। चाहे वो आरबीआई का है, चाहे ओसीबी है, चाहे पेंशन पेमेंट एक्ट रहा हो, या मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन, वो सब के स्कूल पर लगे हुए हैं।
सरकार ने भुगतान की समस्या का समाधान करने के लिए आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कानून को बनाया, तमाम कानूनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के ऊपर इस कानून को बनाया और इसको जिला स्तर पर क्रियान्वित करने की एक प्रक्रिया तय की। प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर IAS रैंक का अधिकारी, जो सचिव स्तर का अधिकारी होगा, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। उसके नीचे अगर ज़्यादा मान लीजिए कहीं विक्टिम है किसी जिले में, अकेले कलेक्टर से समस्या का समाधान नहीं होगा, तो वो अपनी पावर अपने नीचे के अधिकारियों को डेलीगेट करेगा, या जिसको भी, और सहायक सक्षम अधिकारी भी नियुक्त करेगा, और वो सब अखबारों में विज्ञापन देंगे, टीवी पर विज्ञापन देंगे, होर्डिंग लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, दीवारों पर लिखवाएंगे कि ये कानून बन गया है, फला अधिकारी को इसके लिए भुगतान अधिकारी नामित किया गया है, आप यहाँ आइए, अपनी आवेदन करें और अपना भुगतान प्राप्त करें। लेकिन साहब ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। आज पहला विज्ञापन बिहार सरकार के पहला विज्ञापन भुगतान अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो कि कारण छपरा के सभी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, किसी भी कंपनी को जिनका पैसा डूबा है, तो यहाँ अपना आवेदन दे सकते हैं, भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। आज के मैंने वीडियो में भी बताई है, अगर बात दिखाया होगा, अगर आप लोग देखते हैं तो उसे देख लिया करें सब, और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि तमाम चीज़ों के बावजूद भी जागरूकता और संगठन का महत्व जो है सबसे ज़्यादा है इस लड़ाई में। कोई भी सरकार आपका भुगतान करना नहीं चाहती, अगर भुगतान करने की सरकार ठान लेती तो इस कानून की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इस कानून की मैं बात करती हूँ, प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, सरकार के पास इतनी पावर होती है कि चाहे तो सबका भुगतान बिना किसी कानून के शिविर लगा के करती है। जैसे सहारा पोर्टल बनाया है सरकार ने, वो किसी कानून के नहीं, जबरदस्ती थोपा गया है। सरकार का अपना इंटरेस्ट है कि वो इस कानून को, इस पोर्टल को लॉन्च करके लोगों के वोट प्राप्त कर ले, लेकिन हमारा भी अपना हित है उसमें कि हम भी कह सकते हैं, पहले सवाल किया करते थे सरकारी अधिकारी के, सरकार की जो भी कोई आपने सरकार को पैसा दिया था तो सरकार ने देना शुरू किया, 10,000 ही दिया, सरकार तो ये कह रही है सबको दे रहे हैं, 5,000 करोड़ दे रहे हैं, तो हम तो सरकार की बात कोई पकड़ेंगे कि जब तू सहारा वालों को दे सकता है 5,000 करोड़ या 24,000 करोड़, तो बाकी से क्या दुश्मनी है, बाकी क्या हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, उनके साथ भेदभाव क्यों करोगे। जो एक प्रश्न हमारे समक्ष खड़ा होता था कि तो आप सरकार क्यों भुगतान करेगी, आपने सरकार से पूछ के निवेश किया था, तो हम कह सकते हैं कि सरकार इसलिए भुगतान करेगी क्योंकि आपने पोर्टल लॉन्च किया है, और आप कह रहे हो सहारा वालों को बांट रहे हैं, तो हमें भी बांटो। कानून बना दिया है तुमने, बनाया है कि मैं तो बनाने गया नहीं था, इस कानून को तुम बनवा दी बच्चे ने कानून बना दिया, नहीं बनाया आपने, कहा कि मैं 3 लाख कंपनियों को बंद कर रहा हूँ, बंद कर दिए आपने, लेकिन आप एक लोक कल्याणकारी राज्य नहीं, तानाशाह नहीं, राजा नहीं, मतलब फलाने का बेटा मरने के बाद राजा का बेटा राजा ही बनेगा, तुम जनता के वोट से चुने हुए हो, एक लोक कल्याणकारी राज्य हो, वेलफेयर स्टेट हो, आपका तो ये कर्तव्य बन जाता है कि आपके राज्य में कहीं भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध की घटना घटित होती है तो आप उस व्यक्ति को कंपनसेट करें, मुआवजा दें, पुनर्वास करें, रोजगार दें, और साथ साथ जो उसका नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति भी करें। प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है, हमारे कर्तव्य है, कर्तव्य भी है सरकार, लेकिन हमारे मामले में कोई क्षतिपूर्ति मांग रहे, न कोई मुआवजा मांग रहे, न कोई पुनर्वास मांग रहे, न रोजगार मांग रहे, हमारी मेहनत की कमाई का पैसा है जो आपके ही पास है, सरकार के पास है तो उस पैसे की वापसी की मांग कर रहे हैं, वो भी उस कानून के अंतर्गत कर रहे हैं जो कानून आपने ही सबने बनाया है, सीना ठोक ठोक के बनाया है कि हमने ऐसा कर दिया। देश में अब तक कोई ऐसा कानून नहीं था कि पैसा वापसी हो, लेकिन हमने बना दिया, तुमने बना दिया तो उसको लागू करो, पैसा दो लोगों का। हमारी लड़ाई इतनी सी है साहब, कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मोटा मोटी मैं यही कहना चाहूँगा, तमाम मतभेदों को भुला, तमाम इस मोह का परित्याग करके, मोह है हमारे अंदर, यार मेरी कंपनी का नाम है मदन लाल जी ने आदर्श का,
तनख्वाह का तो ले लिया, मेरी का तो लिया नहीं, सारा का है। कोई कहता है मेरी पिन कोड का नहीं लिया, कोई उसका नहीं लिया। किसी के नाम की या पहचान की जरूरत नहीं है साहब, कानून बन गया है सबके लिए एक ही कानून है, उसके अनुपालना की लड़ाई हम लड़ लेंगे। तो ये इन सरकारों को मानना पड़ेगा, कानून लागू करना पड़ेगा, और आपका भुगतान निश्चित रूप से होगा। अगर नहीं करेगी सरकार मान लो, एक सेकंड के लिए हम मान लेंगे, जैसे दुर्योधन के सर पर काल सवार हो गया था, उसने भगवान की बात भी नहीं मानी, कह दिया था बिना लड़े में सुई की नोक के बराबर भी नहीं। हो सकता है मोदी या गहलोत की सिर पर काल सवार हो गए, 40 करोड़ हैं आप, छोटी छोटी टुकड़ी उठा देते हैं या भूख भी मार दोगे, हजारों गहलोत हजारों नजर आएंगे। आबादी देखा होगा आपने, वो चींटियाँ छिपकली को मार लेती हैं, सांप को मार लेती हैं, खींच ले जाती हैं। ये सांप और छिपकली जैसे ही समझ गहलोत आपकी भीड़ के सामने, अगर आप सब लोग एकजुट हो जाए, केवल 1% लोग, तो सारी सेना सारी पुलिस सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों को आपके सामने सरेंडर करना पड़ेगा, नतमस्तक होना पड़ेगा। वो समझ जाएंगे कि अब ये जनता हमको माफ नहीं करेगी, लंका से भी ज़्यादा बुरे हालात बना देगी, इनका पैसा वापस कर दो। तो एक दिन का काम है सब पैसा वापस करना, कोई बड़ा काम नहीं रहा है। डिजिटल इंडिया बन गया है, करोड़ों किसानों के खाते में 1 घंटे में पैसा डाल देते हैं, यही हाल आपके लिए भी हो जाएगा, बशर्ते आप सब संगठित हों और सरकार को ये भय दिखाएं कि अगर आपने हमारा भुगतान नहीं किया, हमारा पैसा वापस नहीं किया, तो हम आपका विरोध करेंगे। अब पहले भुगतान ब्रह्मदान की बात को थोड़ा पीछे ले जाएं, पहले इसको ले आए कि भुगतान जब हमारा अधिकार बना दिया है, भुगतान हमारा अधिकार, तो या तो भुगतान करो नहीं तो सत्ता छोड़। सीधी सी बात करें, पहले भुगतान फिर मतदान की बात की है, वो पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा शोभा देती है जिन्होंने मतदान के माध्यम से सरकार बनाई है, या किसी की बिगाड़नी है, हार जीत तय करनी है। हमारा लक्ष्य किसी की हार जीत तय करना नहीं है। हमारी कला से नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री जो है, राहुल गांधी बन जाए, अरविंद केजरीवाल बन जाए, या दाऊद अब्राहम आकर के बन जाए दुबई में बैठा हुआ, हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर कानून का पालन नरेंद्र मोदी भी नहीं कर रहा, अरविंद केजरीवाल भी नहीं कर रहा, राहुल गांधी नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए दाऊद जैसे ही है, दाऊद से ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पर बैठे कुछ चंद उद्योगपतियों को रोक रहा होगा, धमका रहा होगा, डरा रहा होगा, हमने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, लूट लिया, लूट की मेहनत जमाई, हड़प लिया, उसे वापस नहीं कर रहे। किसी के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाने से हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की सेहत पर या लाभ हानि पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। कानून का पालन कानून वो हमारे लिए न्याय देता है, अच्छा गैस सिलेंडर 500 रुपये का कर दिया है, बताते हैं महंगाई राहत शिविर खोल रहे हैं, भुगतान शिविर भी तो स्थापित किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते सर, किए जा सकते हैं, लेकिन ये होगा तभी सर जब हम मोह मुक्त और भय रहित होकर अपनी मांग को पूरी ताकत के साथ सरकारों के समक्ष रखेंगे। और इसके लिए हमने डेट तय की है साहब कि 5 सितंबर को हम राजस्थान की विधानसभा का जयपुर में घेराव करेंगे, और मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आपने ये व्हाट्सएप 2019 को यहाँ अपंग हालात में लागू किया है, राजस्थान में अपंग कर दिया है, केवल 94 क्रेडिट प्रॉपर्टी सोसाइटी के लिए ऑनलाइन सरकार पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, और उनके आवेदनों पर 3-3 साल तक सक्षम अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेंगे, हजारों की तादाद में अभी भी पेंडिंग है। तो अगर हम पूरी ताकत से 5 सितंबर को जयपुर विधानसभा का घेराव कर लेते हैं, तो एक ही दिन का काम है, 1 घंटे का काम है, मान जाएगा मुख्यमंत्री बातों से नहीं समझेगी, काम करना तमाम जाति सब 5 सितंबर को जयपुर पधारे, आप सबको मैं सागर आनंद कार्यक्रम के लिए
के साथ कोई काफी जुड़ी धंधा नहीं चलेगा। सत्याग्रह के माध्यम से करते हैं और सत्याग्रह से बड़ी बात है, किसी सरकार के पास नहीं है सत्याग्रह को। गौरव की सरकार हुई उन अंग्रेजों को सत्याग्रह के सामने कितना पड़ गया था, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उनका शासन होता था, बम गिरा देते थे, क्या कंधे होते हैं, जब वो झुके सत्याग्रह के सामने तो आपके ही ऊपर जाकर है, चाहे मोदी हो या अशोक गहलोत हो या कुछ दूसरा हो, ये भी आपके सामने झुकेंगे। आप सारा इंडिया वाले सुप्रीम कोर्ट का 90 दिन में 15 दिन की ये भी स्थितियाँ नहीं है। अगर हमने संगठित होकर और सही निशाने पर पीर को नहीं मारा, मौका अच्छा है, चुनाव का मौका है, कोई नहीं चाहेगा तो मेरी सरकार चली जाए। हर आदमी जो सरकार में बैठा है वो चाहेगा तो दोबारा मैं सत्ता में आ जाऊँ, और जो विपक्ष में बैठा है उसका भी प्रयास रहेगा कि मैं किसी प्रकार सत्ता में आ जाऊँ और उनको देश को देश का उद्धार करना वो होगा नहीं। तो देश सुनहरे मौके का हम लोग लाभ उठाएँ, जयपुर घेराव में सम्मिलित हैं, खास साथ तमाम साथी भैया तो आप देख सकते हैं नगर निगम से निवेशक संघर्ष समिति के द्वारा ये लगातार संघर्ष किया जा रहा है, निवेशकों का पैसा वापस भुगतान करो, सारा आदर्श जैसी क्रेडिट कंपनियां जो जनता का मोटा पैसा दबाकर बैठी है और पैसा उसी के खिलाफ ये जन आक्रोश जो है वो फूट रहा है, लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, लगातार जो है सरकार का घेराव किया जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिल रही है। सरकार ने सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया है 10,000 का, लाखों लोगों के लाखों रुपए इसके अंदर जमा है, कब उनका उनके गाड़ी कमाई का पैसा मिलेगा, उनकी मेहनत का पैसा मिलेगा, उसको लेकर ये पूरा जन आक्रोश फूटा हुआ है। सभी निवेशक संघर्ष समिति ये अभी रैली निकालेंगे नगर में और अपना जन आक्रोश प्रकट करेंगे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। आप देख पा रहे हैं नगर निगम में जहां पर निवेशक संघर्ष समिति का गुस्सा फूट रहा है, धीरे धीरे सब्र का पहाड़ टूटता जा रहा है, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं निवेशकों का पैसा वापस करो, लोगों का पैसा वापस करो, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा है। किन बातों को लेकर आज आप ये रैली निकालने वाले? ये आदर्श और ठगी पीड़ित परिवार जो सब यहाँ आए हुए हैं और अपने भुगतान प्राप्त करने के लिए या ज्ञापन दे रहे हैं सीएम एवं कलेक्टर साहब को। तो आप देख सकते हैं कि ज्ञापन के माध्यम से हर उस तरीके से काम कर रहे हैं, एक अहिंसावादी तरीके से बिल्कुल पारदर्शिता से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी आप देखिए कि कहीं भी निवेशकों को भुगतान को लेकर कोई बात नहीं उठी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनका भुगतान करो, लेकिन अभी सरकार ने कोई उचित बड़े कदम नहीं उठाए हैं, केंद्र सरकार इसमें पूरी इन्वॉल्व है। जी साहब, ये आखिर जनता को कब उनका पैसा मिलेगा? लगातार संघर्ष आप कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम कर रही है, संघर्ष समिति लगातार घेराव कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है एक बात बन नहीं रही है, क्या सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहे क्या? सर जी, ये सरकार पैसा चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, ये नहीं चाहती कि इस गरीब जनता को पैसा मिले। ये एक एक कंपनी के निवेशकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अभी हाल में सहारा का पोर्टल लॉन्च किया, उसमें केवल 10,000 रुपया देने के लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि अभी शुरुआत में हम 10,000 देंगे और गाइडलाइन में ये क्लियर नहीं किया कि बाकी पैसा कब और कैसे देंगे, और एक शर्त ऐसी रख दी कि इस पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद
आप किसी भी शिकायत पोर्टल पे नहीं जा सकते, चाहे पुलिस केस हो, चाहे उपभोक्ता मंच हो, चाहे लोक अदालत हो या कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं पे भी शिकायत नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंशा नहीं है कि इस गरीब जनता का जो ठगों के द्वारा ठगा गया मेहनत का पैसा दिलाने में सहयोग कर रही है। ये चुनावी फंडा है 2023 राज्य सरकार का, जो 5 राज्यों में इलेक्शन है, और 2024 में केंद्र सरकार के इलेक्शन आ रहे हैं। इसलिए संगठनों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि उनका ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है कि जो आंदोलन उग्र रूप ले रहा है धीरे धीरे, उसमें पोर्टल लॉन्च करके पहले PCL का किया, फिर सहारा का किया, अभी देवजी पटेल जी ने मांग रखी थी वर्मा जी से, जो कानून मंत्री हैं, कि आदर्श का पोर्टल लॉन्च हो रहा है। तो जो आंदोलन है, उन जो साथी हैं, वो देख रहे हैं यार आंदोलन से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो यहाँ समय नहीं देखे, वो पोर्टल के चक्कर काट रहे हैं कि पोर्टल पे कैसे शिकायत की जाए, जबकि पोर्टल रिंग रिंग के चल रहा है। आज 1 महीना 2 दिन हो गए हैं पोर्टल को, और उसमें YouTube वाले बता रहे हैं 40 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। वो पैसा कब और कैसे मिलेगा वो अभी कोई सरकार ने क्लियर नहीं किया है। उदयपुर के प्रशासनिक अधिकारियों का मैसेज आता है कि वर्मा जी अब आप पोर्टल पे शिकायत करें, आपका पैसा मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ के DSP SP साहब को लिख के भेजा कि जब MP का गृह मंत्री जी लगातार दतिया क्षेत्र में अपने निवेशकर्ताओं को भुगतान आज भी करा रहे हैं, राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं इस बात पे ध्यान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी या और अधिकारी, बस कानून मंत्री जी, लेकिन बस ये खिलवाड़ हो रही है जनता के साथ, उनके विश्वास के साथ। धन्यवाद। कलेक्टर साहब लगता है आगे है और कलेक्टर साहब से सीधे बातचीत की जा रही है। कलेक्टर जी, कलेक्टर साहब से बात की जा रही है, पूरा संघर्ष पूरा दल जो है। आखिर निवेशकों का पैसा उनको कब मिलेगा, कब इन निवेशकों का भुगतान होगा, उस बात को लेकर कल जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी बात को रख रहे हैं। पूरा यहाँ निवेशक पूरा दल है, संघर्ष समिति है, और लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। तो कलेक्टर साहब ने क्या कुछ कहा है वो हम बात करेंगे, लेकिन अभी भी आप देखिए कि संघर्ष समिति लगी हुई है। तो क्या कुछ कहा कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं जितनी कोशिश होगी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, और जितना जल्दी हो सकता है भुगतान करवाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। डंडा तो इनके हाथ में ही है, ठंडा तो इनके हाथ में ही है, इनके हाथ में तो ये जो करना है करेंगे, आश्वासन तो दे दिया मैंने, अब प्रैक्टिकल कितना होता है ये वक्त बताएगा। तो ये एक उम्मीद की किरण है, उस पर आस करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक भरोसा तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सभी कलेक्टर से बात करने के बाद हलचल हुई है, और उसके बाद अब रैली के रूप में पूरे नगर में रैली निकाली जाएगी। और देने का भी क्या हो रहा है।